बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बीएड की लेक्चर सीरीज़ के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका कोर्स कोड है 8615। ये तमाम बीएड के लेक्चर्स जो हैं वो अलामा इकबाल अपर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टूल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, यूनिट 2 है ये। यूनिट 1 पर ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है। जो स्टूडेंट्स यूनिट 1 की वीडियो देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूनिट 1 का, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। सब्सपेक्ट्स आप देख लीजिए, नंबर 1 कंट्रोल चार्ट, नंबर 2 गैंट चार्ट, नंबर 3 क्रिटिकल पाथ मेथड, नंबर 4 प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, नंबर 5 प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। पॉइंट्स आप देख लीजिए स्क्रीन पर मेंशन है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिसीजंस, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल एनवायरमेंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशनल मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे वो किसी भी लेवल का हो, वहाँ पर एजुकेशनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरत होती है और इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस भी है। जस्ट लाइक अगर हम देखते हैं प्री प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स, कैम्ब्रिज सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इसके अलावा कॉलेज लेवल्स हो गए, यूनिवर्सिटी लेवल्स हो गए या जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो इन सभी में एजुकेशनल मैनेजमेंट की बेहद ज़रूरत है। कुछ कोचिंग सेंटर्स भी जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट का रोल अदा करते हैं, मतलब उनको भी एजुकेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी यहाँ पर बीएड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी को फोकस में रखते हुए अपने तकरीबन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक अगर आप किसी स्कूल में या कॉलेज लेवल पर अपनी मैनेजमेंट को प्रॉपरली लेकर चलते हैं, मेंटेन करते हैं, इनसाइट्स वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। अगर आप उसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट रखते हैं तो जो मैनेजर हैं या जो उसके लीडर हैं, ठीक है, उनको वो यूज़फुल इंसाइट्स जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर इसका इफ़ेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ डायरेक्टली पड़ता है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट हमेशा साइंटिफिक डिसीजंस के अकॉर्डिंग ही की जाती है। आप यहाँ पर कोई भी लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते, लॉजिकल वे में आप डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है। और चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना पड़ता है। बिलफर्ज अगर आपके स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स आपके और कुछ स्टूडेंट्स वीक हैं, जो स्टडीज़ पर फुल कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं कर पा रहे या उस लेवल का वो आउटपुट नहीं दे रहे, तो यहाँ पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब रिक्वायरमेंट से हटकर थोड़ा सा एनवायरनमेंट को देखते हुए मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। आपको कुछ नया एडिशन लाना होता है अपनी मैनेजमेंट के अंदर। एजुकेशनल मैनेजमेंट आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करती है, ठीक है। और मैनेजमेंट जो है वो बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि अगर आपकी टीचर्स को कहीं पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की नीड है तो आप ऐसी मैनेजमेंट करते हैं कि मतलब एज़ अ लीडर आपको ऐसी ट्रेनिंग के लिए एक क्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने टीचर्स को या जो वहाँ पर ट्रेनी हैं उनको ट्रेनिंग देकर अपने एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें मेंटेन कर सकें, ठीक है। या फिर आप बाज़ औक़ात रिसर्च ओरिएंटेड भी अपनी मैनेजमेंट को रखते हैं बरकरार, ओके। हम बात करते हैं कंट्रोल चार्ट की। कंट्रोल चार्ट, व्हाट इज़ कंट्रोल चार्ट? द कंट्रोल चार्ट इज़ अ ग्राफ यूज्ड टू स्टडी हाउ अ प्रोसेस चेंजेस ओवर टाइम
Data are plotted in time order. A control chart always has a central line for the average, an upper line for the upper control limit, and a lower line for the lower control limit. These lines are determined from historical data. ठीक है, अब हम इसे ग्राफ की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा, ठीक है, ये तकरीबन थ्री लाइंस होती हैं. कंट्रोल लाइन सबसे सेंटर में होती है, ठीक है, और ये इंडिकेट करती है आपके प्रोसेस को कि आपका प्रोसेस कहाँ तक अप डाउन चल रहा है. ठीक है, अब अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन, इनको लिमिट्स भी कहते हैं, लाइन भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है. तो जस्ट लाइक अगर आपकी कंट्रोल लाइन से अपर कंट्रोल लाइन की तरफ आपकी मूवमेंट जा रही है, तो इट्स मीन आपकी मैनेजमेंट की सक्सेस है, आपकी मैनेजमेंट बेटर पोजीशन पर जा रही है. बट अगर लोअर कंट्रोल लाइन की तरफ आपकी मूवमेंट जाएगी, तो इट्स मीन आपकी जो मैनेजमेंट है उसका उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनफॉल पे जा रही है. तो आपको बेटर पोजीशन पर लाने के लिए थोड़े इम्प्रूवमेंट की नीड है. ठीक है, नंबर टू, जांच चार्ट. अ चार्ट इन विच अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस शोज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और प्रोडक्शन कंप्लीटेड इन सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम इन रिलेशन टू द अमाउंट प्लान्ड फॉर दोज पीरियड्स. गैंट चार्ट जो है वो आपकी प्लानिंग और प्रोजेक्ट की गाइडेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. इस चार्ट की नीड हमेशा ही स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स के लिए होती है. अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए इसे यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. ठीक है, ये एक आइडियल चार्ट है जिसे अक्सर औकात प्लानिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, स्पेशली तौर पर कॉलेज और डिपार्टमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है. बिकॉज इसमें आप अक्सर डिपार्टमेंटल लेवल पर अपने डिफरेंट टीम के वर्क को, उनकी प्रोग्रेस को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं. ये आपके सामने एग्जांपल मौजूद है. ठीक है, ये सैम्पल जैंट चार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं. ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट होता है, इसमें डेटा पुट किया जाता है और ये प्रोजेक्ट वगैरह में मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, लेफ्ट साइड पर टास्क के नेम हैं, प्लानिंग, रिसर्च, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, फॉलोअप. तो आप अपने भी प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो टास्क नेम होंगे वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं. उसके साथ ही आप देख लीजिए छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं. ठीक है, वहाँ पर डेट वाइज जो है वो पार्टीशन बनाकर डिवाइड किया गया है कि प्लानिंग की डेट क्या थी, किस डेट से लेकर किस डेट तक हमने सिर्फ प्लानिंग की, किस डेट से किस डेट तक हमने इस पर इम्प्लीमेंटेशंस दी. तो वन बाय वन करके रिसर्च की टाइमिंग भी दी हुई है, हर चीज़ की टाइम ड्यूरेशन मेंशन है. तो ये एक सैम्पल आपके सामने स्क्रीन पर थी. अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अपने टॉपिक को. ठीक है, अब आप स्टेप्स देख लीजिए. इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपना चार्ट ड्रॉ करना होगा. ठीक है, जैंट चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज़ की जो है स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान के अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी है. लेफ्ट साइड पे आप देख रहे थे. ठीक है, हमने लेफ्ट साइड जो है अपने एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करना होगा. ठीक है, अब उसके बाद हेड अप ग्राफ पेपर जो आपका, ठीक है, डेज एंड वीक्स को आपने जिस डेट से लेकर जिस डेट तक कंप्लीट किया था वर्क, आपने जिस तारीख से स्टार्ट किया काम उस तारीख से लेकर और जब आपने कंप्लीट किया उस तारीख तक, ये तकरीबन आपने इनके डेज और वीक वाइज जो है बॉक्सेस बनाने हैं. ठीक है, कॉलम्स बनाने हैं. फिर आपने प्लॉट टास्क ऑन टू द ग्राफ पेपर. अब आपने वहाँ पर प्लॉट टास्क करना है कि आपने किस डेट से किस डेट तक क्या काम किया, प्लानिंग क्या थी, रिसर्च कब तक की. ठीक है, डेटा कहाँ से कलेक्ट, किस तारीख तक डेटा कलेक्ट किया. तो ये सारा का सारा, ठीक है, इस तरीके से होगा. नंबर फोर पे देख लीजिए, शेड्यूल एक्टिविटीज़ हैं, आपने एक्टिविटीज़ को भी शेड्यूल करना है. नंबर फाइव, प्रेजेंटिंग द एनालिसिस. अब लास्ट में जो है आपने अपने एनालिसिस देना होगा. ठीक है, प्रेजेंट करना होगा. अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड पर, CPM. ठीक है, बट इसे क्रिटिकल मेथड एनालिसिस भी कहा जाता है, CPA. और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका रोल है.
और वो किस तरह से, वो इस तरह से क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज आपके प्रोजेक्ट नेटवर्क को, उनकी एक्टिविटीज़ को जो है एक रिजल्टिंग फॉर्म में लेकर आता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको क्रिटिकल एनालिसिस की नीड होती है कि आपके इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ क्या चीज़ मिसिंग थी, या कहाँ कहाँ क्या चीज़ आपने एक्स्ट्रा जो है वो ऐड की हुई है। ये क्रिटिकल पाथ मेथड है जो आपके प्रोजेक्ट को, उनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो शेड्यूल वाइज, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पर जो है उन्हें एनालिसिस करता है। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्रिटिकल पाथ बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट है उसकी ड्यूरेशन में, उसके शेड्यूल में जो भी वीकनेस है उसको दूर करने के लिए आपको एक ऐसा एनालिसिस पर मतलब फराहम करता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल कर सकते हैं, आप उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका पॉइंट नंबर 3 देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये मेंशन है कि क्रिटिकल पाथ मेथड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डेज वेयर इट इज़ पॉसिबल टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन नॉन क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट टू। यानी कि आप अपना क्रिटिकल पाथ जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपना कुछ टाइम नॉन क्रिटिकल पार्ट्स पर वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको वहाँ से कट करके आपको अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक, इसी के लिए क्रिटिकल पार्ट जो है वो एक बहुत बड़ा हेल्पफुल पार्ट है इस पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम में। ऐसी चीज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी, और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके प्रोजेक्ट को डिले कर रही है उसके फिनिशिंग टाइम्स के लिए, तो आप उन चीज़ों को, उन बैरियर्स को रिमूव कर सकें, तो क्रिटिकल पार्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और वो आपका फिनिश पॉइंट है। ठीक है, अब स्टार्ट टू फिनिश पॉइंट के लिए आप इसकी जो है डिस्टेंस देख लीजिए कितना ही कम है, बट आप जो है अपना प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप ए 3 वीक लग रहे हैं आपको, फिर स्टेप बी के लिए 4 वीक लग रहे हैं, फिर स्टेप सी और ए में कितना डिफरेंस आ गया, 2 वीक्स में आपने सी तक अपना कंप्लीट किया है वर्क। ठीक है, फिर डी 1 वीक ले रहा है, तो इस तरीके से आप टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए कि आपको स्टार्ट से फिनिश तक कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो क्रिटिकल एनालिसिस जो है, क्रिटिकल पार्ट जो है, वो आपको बेसिकली ये डायरेक्शन को शॉर्ट वे में करने के लिए ही बहुत सारी सॉल्यूशंस देता है, आपको एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटीज से बचाता है जो आपको आपके वर्क की कंप्लीशन में बैरियर बन रहे हैं। अब हम देखते हैं CPT और PERT की डिफरेंसेस को। ठीक है, PERT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी प्रोजेक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ शामिल है इसमें, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है, बट जो CPM है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ऐसी टेक्निक है जो किसी भी प्रोजेक्ट में कोई ख़ास एक्टिविटी को मैनेज करती है। CPM और PERT जो टेक्निक्स हैं ये मोस्टली यूज़ होती हैं सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में, जो लार्ज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक जो मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट के लिए, मिसाइल्स के लिए, स्पेस व्हीकल्स, लार्ज मेनफ्रेम कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, इन सभी की प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंट्रोल टेक्निक्स जो है वो PERT और CPM पर डिपेंड करती हैं। प्लॉट डिटर्मिनेशन, आप अगर आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं क्रिटिकल पाथ अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर आपके लिए फ्लॉट डिटरमाइन करना बहुत ही इजी हो जाता है। हर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप फ्लॉट डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, फ्लॉट जो है वो बेसिकली समटाइम्स रेफर टू एज अ स्लैक। ठीक है, फ्लॉट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन स्लिप बिफोर इट कॉजेज योर प्रोजेक्ट टू बी डिले। आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल स्क्रीन पर। ठीक है, स्टार्ट टू एंड
बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो है बीच में जो प्रोसेस है उसे आप प्लॉटिंग करते हैं। प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT, ये बेसिकली एक प्लानिंग और कंट्रोल टूल होता है। ठीक है, इसे इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो है प्रोजेक्ट की कंप्लीट करने के लिए जो भी ज़रूरी टास्किंग होती हैं उन्हें आप डिफाइन करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक जो मेथड है वो आपके टास्क को एग्जामाइन करता है, ठीक है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करता है और क्रिटिकल पाथ मेथड की जो है वेरिएशन उसी के बाद होती है। एनालाइजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क एंड इट्स एसोसिएटेड डिपेंडेंसीज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। Process capability is the long-term performance level of the process after it has been brought under statistical control. Process capability is also the ability of the combination of people, machine, methods, material and measurements to produce a product that will constantly meet the design requirements or customer expectations. लास्ट वन है जनाब प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट टूल होता है जो प्रोवाइड करता है एक बेटर एनालिटिकल वे जिसके भी आप पर डिसीजन मेकिंग बहुत ही इजी हो जाती है। ठीक है, ये डिसीजंस के लिए एक बेस्ट ऑपरेशन या एक वे जो है कंडक्ट करता है और इसके 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्सेस ऑफ एक्शन ओपन टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2 एन अप्रूव्ड प्रोग्राम डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स प्रिसाइज क्वांटिटेटिव डेटा ऑन नीड्स रिसोर्सेस इनपुट्स एंड प्रोग्राम आउटपुट्स extending a number of years into the future. Number 3, a decision making process that establishes the functions, rules and timetables for the actions required by the PPBS. An analysis, number 4, an analysis process for measuring effectiveness and for weighing alternatives. And number 5, an information system that supplies the data required to implement the system. ये 5 elements मिलकर ही planning, programming, budgeting system को organize करते हैं। I hope so आपको ये video पसंद आई होगी। comment करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये video कैसी लगी। आपको कोई question है तो भी आप comment में mention कर सकते हैं। video पसंद आई है तो like कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।